जन फाउंडेशन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसे आगे बढ़ाते हुए आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सेव इंडिया फाउंडेशन की टीम के साथ साथ शहर के नामी ग्रामी लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। मेरठ के कमिश्नरी पार्क पर सुबह 8 बजे सभी लोगों ने इकट्ठा होकर विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर लोगों को बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए जागरूक किया, साथ ही पोस्टर, बैनर और नारों के माध्यम से भविष्य में बढ़ती जनसंख्या के चलते आने वाली परेशानियों से लोगों को अवगत भी कराया। मानव श्रृंखला के आयोजन पर NAS इंटर कॉलेज, SSD सदर और वेद इंटरनेशनल स्कूल के छात्र भी मौजूद रहे। राजेश शर्मा हैं और हम तमाम लोग सेव इंडिया जन फाउंडेशन के सदस्य हैं। एक हमारा सेव इंडिया जन फाउंडेशन है। पिछले 4 साल से हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम कर रहे हैं और आज 11 जुलाई है, विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस शहर में एक मानव श्रृंखला बनाई है। मानव श्रृंखला का मतलब था कि लोगों को जागरूक करना और सरकार से अनुरोध करना, दबाव बनाना कि देश में जनसंख्या पर 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए। आज देश में बहुत विकट समस्याएँ और सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन की वजह से आज देश में जल संकट है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित है, तमाम सड़कें जाम हैं, ट्रेनों में कहीं रिजर्वेशन नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार की संख्या बहुत ज़्यादा है। देश में अस्पताल हैं तो रोगियों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं है। यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें रोजगार नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या देश में पॉपुलेशन की है। जब तक देश पर कठोर कानून नहीं बनेगा जनसंख्या को लेकर, तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता। तो आज जो हमारी मानव श्रृंखला थी तमाम लोगों के सहयोग से, तो इसका मतलब ये है कि आज हम लोग पूरा एक दबाव बनाएंगे सरकार पे कि सरकार जल्द से जल्द, सरकार से उम्मीद है, सरकार को जनता ने बनाया है और जब जनता चाहेगी तो जनता का कानून ही बनेगा। सरकार को जनता ने बनाया है, अब जब जनता कानून मांगती है तो सरकार को बनाना पड़ता है। आमोद भारद्वाज। सर, आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, किस वजह से एकत्रित हुए? हमने जो मानव श्रृंखला बनाई है वो सेव इंडिया फाउंडेशन के सदस्य हैं। ये जनता को जागरूक करने के लिए बनाई है, जिसमें कि ये मैसेज जो आज विश्व दिवस है, जनता को जागृत करने के लिए बनाई है कि ये सरकार कानून लाए, बच्चों पे कंट्रोल करे, जनसंख्या पे कंट्रोल करे, 2 बच्चे अच्छे। सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग एक आदमी जो जनसंख्या पे कंट्रोल करे वो कानून बनाना। क्या लगता है सरकार इस पे एक्शन लेगी? बिल्कुल लेगी। इसके लिए ये कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको सपोर्ट मिलेगी? बिल्कुल 100% मिलेगी। हमने 4 साल पहले शुरू करी थी और आज बहुत फर्क है, जैसे जैसे ही समय बीतेगा और बढ़ेगी। आपका नाम? मैं एडवोकेट जयराज सिंह। आज विश्व जनसंख्या कंट्रोल दिवस के अवसर पर हम लोगों ने मानव श्रृंखला निकाल कर सरकार के जो 2014 में वायदे हुए थे और 2019 में भी वायदे सरकार के पटल से अलग चले गए, उसके लिए कान खोलने का काम किया है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर अपने वायदे के मुताबिक, 2014 के मुताबिक सरकार इस पर कानून लाए और वो कठोर कानून लाए जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो, और जनसंख्या नियंत्रण होने के बाद में जो सरकार संसाधन बनाती है, पहली भी सरकारों ने संसाधन बनाए, एक सड़क को 20 फुट चौड़ा बना दिया और जनसंख्या बढ़ गई तो फिर 40 की आवश्यकता होगी, फिर 40 बना दिया जनसंख्या बढ़ गई 60 की आवश्यकता होगी। यदि जनसंख्या कंट्रोल हो जाए तो उस 20 फुट की सड़क का 20 फुट से ही काम चल जाएगा, इसलिए जनसंख्या कंट्रोल होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज आपकी जो पहल रही है मानव श्रृंखला बनाने की और एक कानून की जो मांग की है आपने, तो उसमें आपका क्या कुछ कहना? उसमें ये कहना है कि जो इस समय भारतवर्ष में रोज़ नई नई समस्याओं के बारे में हम बात करते हैं, ये कोई बात नहीं करता कि हर समस्या का जुड़ाव जनसंख्या के बढ़ने पर है, और जनसंख्या की बढ़ोतरी जो है वही हमारे लिए डे टू डे की जितनी प्रॉब्लम्स है सबसे जुड़ी हुई है। तो आज जो हमने ये मानव श्रृंखला का आयोजन किया है, इसमें हमने बच्चों को विशेष रूप से जोड़ा है, क्योंकि यही हमारी भावी पीढ़ी है
और देश के उन्नति में इन्हीं का योगदान होगा। और पॉपुलेशन कंट्रोल जो है इसका सबसे बड़ा जो महत्व यही है कि हमारी पीढ़ियां आगे वाली वो सुरक्षित होंगी और एक ऐसे वातावरण में अपना जीवन यापन कर पाएंगी जिससे हमारा देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। तो यही हमारा आज पर्पज़ है, एक मैसेज देना है और भारत सरकार को एक मैसेज देना है कि इसलिए कोई कठोर कानून की कार्रवाई करे, दो बच्चों का कानून बनाए और जिससे देश हमारा और तेज़ी से उन्नति करे। धन्यवाद। तो ये जो कानून की मांग के लिए जो आपने पहल करी है, आपको क्या लगता है कि आज जो मानव श्रृंखला थी उसमें जितने लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, तो क्या आपका मिशन सक्सेसफुल होने के कगार पर है, उतने लोग यहाँ पर जमा हो पाए जितना आप चाह रहे थे? देखिए, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और विश्व जनसंख्या दिवस पर पूरी दुनिया में आज ये प्रोग्राम हुए हैं, जागरूकता के प्रोग्राम, और आज तो एक मैसेज दिया है हमने सरकार को कि इस समय जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। सरकार को जनता ने बनाया है, अभी जनता की मुखर मांग भी है कि देश में जनसंख्या पर कानून बनना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रित होगी तो ये देश विकसित होगा, और ये जनता है, अब जनता जाग चुकी, अब सरकार पर दबाव बनाएगी कि इस देश में जनसंख्या पर नियंत्रण पर कानून लाओ। आपका क्या नाम है? मीरा मिश्रा। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि सरकार हर बार कोई ना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आती है, लोगों को अवेयर करती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं, तो क्या इसके कारण है जो ये कानून की मांग लाने की ज़रूरत पड़ रही है, लोग खुद में अवेयर नहीं हैं? क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या का प्रोग्राम चल रहे हैं, वैसे मैंने देखा है बेगमपुर पे भी चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, लेकिन अवेयरनेस जब होगी, जब क्या नाम है, हमारी सरकार जागरूक होगी। अगर सरकार जागरूक नहीं होगी तो हम लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 50% लोग ऐसे हैं जो जागरूक हैं और 50% ऐसे लोग हो गए हैं जो अपनी जनसंख्या को डबल ट्रिपल करते जा रहे हैं, मतलब मीन्स 10 एक परिवार में हो रहे हैं, तो वो तो नहीं चलेगा, और इसीलिए हम लोग जनसंख्या कानून का मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति शर्मा है, और मैं यही चाहूँगी कि दो बच्चों का कानून जो हम लोग लाए हैं इस श्रृंखला को, ये आगे बढ़ती रहे और लोग जागरूक तो होते रहे, और इसके लिए मैं चाहूँगी क्योंकि दो बच्चे होंगे तो हम उन बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, है ना, हर अगर हमारा सरकार साथ दे तो हम लोग कामयाब होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सरकार से, पूरी तरीके से उम्मीद है। तो अगर कारणों की बात करें या फिर निवारण की बात करें, अगर इस जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है इसको नहीं रोका गया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को झेलने पड़ सकते हैं? बहुत सारी आएगी, देश में इतनी भुखमरी देख रहे हैं आप लोग, और इतनी सारी कमियां हैं, जो बच्चों को देखो बीमारी में हम लोग उनका इलाज नहीं कर पाते हैं, सब कुछ क्योंकि कमाने वाला एक होता है मेंबर और खाने वाले इतने सारे लोग हैं। कुछ लोगों ने अनपढ़ होने की भी वजह से, शिक्षा का भी अभाव है कुछ लोगों के, उनकी मानसिक उसका भी थोड़ा सा प्रभाव है कि वो लोग नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। सारी कमियाँ एक इंसान से नहीं होती है, यदि हम लोग कोई पहल कर रहे हैं और अच्छी पहल कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी पूरी देश की सब जनता को हमारा साथ देना चाहिए, और अच्छी पहल के लिए तो बिल्कुल देना चाहिए साथ, बिल्कुल। थैंक यू। मेरा नाम प्रशांत कौशिक है। आज ये जो जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, कैसा रहा आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स? जन समर्थन बड़ा अच्छा रहा है, और स्कूल के बच्चों ने और जो जागरूक नागरिक हैं शहर के, उन सब ने इसमें सहभागिता कर इस ज्वलंत विषय को उठाने का काम किया है। और हमारी सरकार से मांग है कि वर्तमान परिदृश्य में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि जिस कारण से हम देख रहे हैं जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बेताशा वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, उस संसाधन जो है उसका धोन इतना हो गया कि वो कम पड़ रहे हैं, और भविष्य में बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं। जैसे सर्वे आते हैं, जैसे रिपोर्ट आती हैं विशेषज्ञों की, उसके अनुसार साफ दिखता है कि आने वाले समय में अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आम आदमी का जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मूलभूत सुविधाएँ इतनी कम हो जाएंगी और प्राकृतिक संसाधन इतने कम हो जाएंगे कि आम आदमी का जीवन सही तरह से व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम किसी भी तरीके से ये किसी देश की श्रेणी में तब तक नहीं आ सकते जब तक हमें जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं आएगा। अगर नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सम्मान की जिंदगी नहीं जी पाएंगे, हमारे बहन भाई आज सुख की नींद नहीं सो पाते, शिफ्टों में सोते हैं, शहर के अंदर मेरठ के अंदर अगर हम देखते हैं कुछ लोग शिफ्टों में आकर के सोते हैं, रात को 11 बजे तक मैं सोऊंगा, रात के 11 बजे के बाद में नहीं सोएंगे, वो रात को चक्कर काटते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सघन इलाके हैं वहाँ पर डबल डेकर बने हुए हैं जिसमें फैमिलियाँ सो रही हैं, उनके भविष्य के लिए, अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए हमें चाहिए।
सेव इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर राजेश शर्मा, सहयोगी इंद्रपाल सिंह सहित पूर्व जिला पंचायत दयानंद गुप्ता, पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर राजेश मोहन प्रभारी, डॉक्टर प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर स्नेहवीर पुंडीर ने भी जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कानून की मांग हेतु आयोजित इस मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया। प्रेरणा तलवार की रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।